जहां सरकार की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने के साथ ही कई तरह की योजनाओं का फायदा दे रही है, तो वहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई संस्थाएं भी काम कर रही हैं। उनको सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं को की जानकारी दी जा रही है। डोईवाला में भी भाईचारा समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर कई तरह की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही समाज में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान राजनीतिक दलों से जुड़े कांग्रेस नेता सागर मनवाल और यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा, आज महिलाएं हर फील्ड में अपने नाम के साथ देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। वो सहरा है और महिलाओं में हुनर की कोई कमी नहीं होती। आज देश की सुरक्षा के साथ ही महिलाएं एरोप्लेन उड़ा रही हैं, जिस पर देश की जनता को गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनकी, जो सर्व समाज भाईचारा समिति है उसके माध्यम से वो महिलाओं को हमेशा एक अच्छा कार्य है जो उनका हित होता है उसके लिए हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे पास में मधु दीदी है और निश्चित रूप से ये जो महिलाओं के लिए जो आगे भविष्य के लिए जो महिलाओं के लिए एक आने वाली योजना है उनके बारे में जब चार महिलाएं बैठती हैं निश्चित रूप से कोई ना कोई निदान निकलता है।